सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में माफियाओं का उपचार हो रहा है। सीएम बोले, यूपी के बारे में लोगों की सोच अलग थी, 2017 के बाद लोगों की सोच बदली है। आज यूपी के लोग पहचान के मोहताज नहीं है। आज यूपी में निर्णय लेने वाली सरकार है। पिछले 7 सालों में बदलाव दिख रहा है, ईमानदारी का परिणाम देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश में काम का तरीका बदला है। आप सभी समाधान के लिए हैं, समस्या के लिए नहीं है। सीएम योगी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।